प्रणाम सुंदरसाथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री राज ग्रंथ का प्रकरण 26 का पाठ किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। तो उससे पहले सभी सुंदरसाथ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी को इस न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। राग सामेरी। रामत आंबानी कीजे मारा वालैया, आवी उभा रहो लगता रे, सखियो ज्यारे बल करे त्यारे रखे काई तमे डगता रे। हे मेरे प्रियतम, अब हम आम वृक्ष की रामत खेले, आप हमारे समीप आकर खड़े रहिए। जब सखियाँ आम तोड़ने के बहाने आपको बलपूर्वक हिलाएं, तो जरा भी टस से मस न होइए। तमे आंबला थड़ताओ, अमे चरण झाली ने बेसू, मारो आंबो दहिए दूधे सींचू, एम कहसू पदखणा देसू। हे प्रियतम, आप हमारे लिए आम्र वृक्ष बनिए और हम सब सखियाँ आपके चरण पकड़कर बैठेंगी। तत्पश्चात हम आम्र वृक्ष को दूध दधि से सींचेंगी, इस प्रकार कहते हुए आपकी परिक्रमा करेंगी। केटलिक सखियो आम्बलो सींचे, अमे चरण तमारे वलगा, दृढ़ करीने अमे चरण ग्रया, जोइए कौन करे अमने अलगा। कितनी सखियाँ प्रेम पूर्वक आम्र वृक्ष को सींचेंगी। हम बाकी सब सखियाँ आपके चरण कमलों को पकड़कर बैठ जाएंगी। हम दृढ़ता पूर्वक आपके चरण पकड़ती रहेंगी। देखें हमें कौन अलग करता है। बल करीने तमे उभा रह जो, खससो तो हस से तम पर, जो अमे चरण ग्रही नव सकूं, तो सहु कोई हस से अम पर। हे प्रियतम, आप दृढ़ता के साथ आम के पेड़ के रूप में खड़े रहिए। यदि आप अपने स्थान से विचलित होंगे तो सभी आपके ऊपर हंसेगी कि आप हार गए, और यदि हम आपके चरण दृढ़तापूर्वक पकड़ न सकेंगी तो अन्य सखियाँ हमारी हार देखकर हम पर हंसेगी। ते माटे रखे चरण चाचरो, थीर थैया उभा रहे जो, जो जोर घणु आवे तमने त्यारे तमे अमने कहजो। इसीलिए आप चरणों को शिथिल न होने दें, स्थिर होकर खड़े रहें। इस प्रकार खड़े रहने पर सखियों की ओर से आपके ऊपर यदि अधिक दबाव पड़े तो आप हमें कह दीजिए। अनेक सखियो चरणे वलगी, खसवा नहीं दीजे रे, वालो सखियो सहु था जो सावचेत, ओलियो ऊपर सानी हाँसी कीजे। तत्पश्चात अनेक सखियाँ आकर चरणों से लिपट गई और परस्पर कहने लगी, देखना चरणों को थोड़ा सा भी हटने न देना। हे प्रियतम एवं सखियो, तुम सब सावधान हो जाओ, विपक्ष की सखियों पर सब मिलकर हंसी उड़ाएं। जे सखी साची थैने वलगी, तेता व छोटता नव छूटे रे, ओलियो सखियो बल करी करी था की, तेता उठता नव उठे रे। जो सखियो सच्चे हृदय से प्रियतम के चरणों में लिपट कर बैठी हैं, वे तो चरण छुड़ाने के अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं छोड़ती है। विपक्ष की सखियाँ जोर लगाकर थक गई किंतु उन्हें अलग न कर सकी। जे सखी चरणे रही नव सकी, ते पर हाँसी थी अति जोर,
इंद्रावती वालों ने सखियों दिए ताली हंसी करे शोर। जो सखी चरणों से लिपटी न रह सकी उनकी बहुत हंसी हुई। इंद्रावती प्रियतम और अन्य सखियां ताली देख देकर एक दूसरे पर जोर जोर से हंसने लगी। प्रकरण 27 चौपाई 568। हे सुंदर शाह जी, इसी के साथ श्री राज ग्रंथ का प्रकरण 27 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे की रामत लेंगे। प्रणाम जी।